नमस्कार, मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं सत्य खबर। इस वक्त हम मौजूद है छतरपुर विधानसभा के, छतरपुर विधानसभा में, और यहाँ का जो एक इलाका है भाटी माइंस, वहाँ पे एक जो सबसे चर्चित जगह है पाकिस्तान मोहल्ला। इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं। जो भाटी माइंस है उसका जिक्र अमित शाह ने किया था जब नागरिकता संशोधन बिल पास किया गया था। अब नागरिकता संशोधन बिल पास कर दिया गया है, राष्ट्रपति जी की भी मोहर लग चुकी है, और अब यहाँ से जो पाकिस्तानी मोहल्ला पहले क्यों कहा जाता है, ये आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, 10,000 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं, वो सभी यहाँ के निवासी नहीं हैं, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 6-7 साल पहले आए हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज यहाँ आए थे लेकिन उनका जन्म यहाँ पर हुआ है। उन सभी लोगों से आज हम जानेंगे कि नागरिकता संशोधन बिल जो केंद्र सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है, उसके बाद वो क्या सोचते हैं, क्या ये इस बिल के पास होने से इनके जहन में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, क्या ये खुश है या फिर ये क्या सोचते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, पहले तो ये बताइए कि अब आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी? हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी कहते हुए कितना गर्व होता है? कौन हमें यार को जैसा गर्व होता है, जैसे बेटा कहता है ना, हम आपके माँ के बेटे हैं, हम अपने बाप के बेटे हैं, इतना गर्व होता है हम हिंदुस्तानी है। नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद आप कितने खुश हैं? हम उससे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भाई लोग आए हुए हैं सबके नागरिकता बिल पास होगा, उनको कुछ ना कुछ सरकार देगी, क्योंकि भैया उनका सब कुछ अच्छा होगा। हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। आप जिस तरीके से, आप यहाँ पे कब से रहते हो? हम, मेरा तो जन्म यहीं का है। आपके जो पूर्वज है वो पाकिस्तान से आए थे? जी हाँ। पूर्वज आपके पाकिस्तान, क्या बताते थे कि पाकिस्तान से यहाँ पर क्यों आए थे? वो नेहरू जी ले आए थे हमारे को। अच्छा। जब देश एक था, जब हम लोग वहाँ पे थे, जब 1947 में बंटवारा हुआ था, जब नेहरू जी गए थे हमारे पूर्वजों को ले आ करके, हमारे को राजस्थान में अलवर में जमीने दी है, हर फैमिली को 15 बीघे जमीन है हमारी जी। तो उसको भी हमारे के छोड़ने का कारण ये था कि उस टाइम पे वहाँ पे पानी नहीं था, खेती बाड़ी कर नहीं पाते थे, गरीब लोग थे हम लोग वहाँ पे, खेती बाड़ी छोड़ छाड़ के। अभी भी हमारी राजस्थान अलवर में जमीने पड़ी है, हमारे नाम पे, पूर्वजों के नाम पे पट्टे हैं, रजिस्ट्री हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आकर के बस गए, यहीं पे मजदूरी कर रहे हैं और ये गांव बसाया हमने। बिल्कुल, ये हमारे मजदूर लोगों का गांव है। और लोगों से जानते हैं, नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है, क्या चल रहा है इस वक्त मन में, क्या कितने खुशी है? जी, सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि मैं भी इंडियन हूँ, लेकिन हमारे सारे जो रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए मतलब एक नरक है, वहाँ हिंदुओं की कोई इज्जत नहीं है। हम तो गए नहीं है, ये हमारी माता जी ये पाकिस्तानी है, जो भी वहाँ से पाकिस्तान से आए हैं उनसे मिले, इन्होंने बताया अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो मुसलमान अपने शमशान घाट में उसको दफनाने नहीं देते। अभी एक वीडियो आया था, मैंने वो देखा था, 450 किलोमीटर दूर किसी को दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं। या तो पहले क्या होता था, कहीं रास्ते पे उसको दफना के वापस आ गए, कहीं होटल में जाओ चाय पियो तो उनको अगर पता लग गया ये हिंदू हैं तो उनको मारते भी हैं, पैसे भी भरवाते हैं, बहुत ज़्यादा है। मतलब हिंदुओं की कोई ही कुछ भी वैल्यू नहीं है। अभी यहाँ ये हमारे भाई आ गए हैं, हमने इनको कोऑपरेट किया, इनको जगह भी मिल गई है, सब कुछ है, यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान में रह के इतनी पुश्तें चली गई अपने नाम पे। सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया, आप इसके पक्ष में हैं? हाँ जी बिल्कुल। और लोगों से जानते हैं कि नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद उनको क्या लगता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कितने साल से वो यहाँ रह रहे हैं और नागरिकता मिली है कि नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेम कुमार है। आप भी पाकिस्तान से आए हो? हाँ जी, मैं छोटा सा था, 9 साल का था जब आया था। याद है आपको वो बात? हाँ याद है जी। क्यों आए थे? बहुत दुखी थे जी, वहाँ पे बहुत दुखी थे जी। पहले तो आप वहाँ पे उर्दू पढ़ते होंगे? हाँ जी, मैं 3 क्लास उर्दू पढ़ा हूँ। यहाँ पे हिंदी पढ़ी? यहाँ हिंदी पढ़ी। हिंदी आती है? हाँ हिंदी आती है। उर्दू आती है कि भूल गए? थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। हाँ जी। कितने साल से, कितने साल के हो गए? हम 1984 में आए थे जी यहाँ पे, अब तक हमें कोई नागरिकता नहीं मिली है, ना कोई कागज ना पत्र हमारे पास। अब क्या लगता है, कोई मन में अब उम्मीद जगी है? बहुत तगड़ी उम्मीद जगी है जी, बहुत बहुत खुशी है, हम बहुत खुशी है। मेरे बड़े भाई ने, हमारा भांजा था, उसको पाकिस्तान से बुलवाया, उसको जमानत दी हमने, तो आज वो हमारी जमानत कैंसिल कर दी भाई की जी। तो हम नागरिकता नहीं तो फायदा क्या है ना? अब बहुत खुश है हम, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। जब तक नागरिकता नहीं मिली थी तब मन करता था कि वापस पाकिस्तान चले जाए? वापस तो नहीं जाना, क्यों नहीं? हमारे बच्चे हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, बच्चे भी जवान हो गए, हमारे लड़कियां ब्याह दी हमने, हम कहाँ जाएंगे? अब हम नहीं जाएंगे। तो क्या कहना अच्छा लगता है, पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी? हम हिंदुस्तानी।
हिंदुस्तान। हाँ जी, जो हमारे पीछे जो हमारे जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, जो लोग हैं हमारे, वो भी आज यहाँ धर्म बचा के, वहाँ बहुत जुल्म है। दिन दिहाड़े लड़की अच्छी अच्छी को लड़की दिखाई दे उसको उठा के ले जाते हैं, चार पांच रखते हैं उसको, धर्म परिवर्तन करवा के उसको कहिए इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, वो दबाव के मारे उनको ये धमकी देते हैं, अगर ये धर्म कबूल नहीं करेगी तो तेरे माँ बाप को मार देंगे, ऐसे धमकी देते हैं वहाँ पे। ये जो बातें हैं हमें यहाँ से निकल कर आई, जो क्योंकि हम ये किस फैक्ट पर कह रहे हैं, फैक्ट तो छोड़िए, ये उन्हीं की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान से है वो खुद ये बात बता रहे हैं कि उनकी बहू बेटियों के साथ, उनकी बहनों के साथ ये आप बीती है। और ये जो हमारे साथ भैया है ये खुद अभी पाकिस्तान से आए हैं, पूछते हैं कि कितने साल हो गए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, अभी यहाँ आया हूँ, 2010 में आया था। 2010 में आए तो आपको अब यहाँ पर 9 साल हो गए? हाँ जी, 9 साल हो गए। मैंने 2 बार नागरिकता के लिए अप्लाई किया भी, लेकिन कोई गवर्नमेंट का वो नहीं मिला है, गवर्नमेंट बोले मिलेगी। वैसे क्या लगता है, नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया अभी, अमित शाह जी ने बोला है तो हम इंडियन पक्के हो गए हैं, तो हमको कल ये बिल पास हो गया, क्या था मन में? मन में तो बहुत खुशी है, हम भारत माता की जय बोलने लगे सारे, और मिठाई बांटने लगे, और सब कुछ ढोल नगाड़े के साथ, कल भी था प्रोग्राम और आज भी था, इसलिए हम बहुत खुशी है इस बात। आपने मिठाइयां खाई? हाँ जी, बहुत मिठाई खाई, लोगों को खिलाई, पड़ोसियों को खिलाई। अच्छा, अभी जब मैं यहाँ पर आई आपसे बात कर रही थी, आपने बताया कि शादियों में भी आप किस तरीके से? हाँ जी, हम शादियों में भी बीजेपी के गाने और भजन यही बजाते हैं, जैसे वो चलता रहता है तो हम बहसबाजी हो जाती है लोगों से, बोले हम बीजेपी के और मोदी के हम नृत्य में आए हैं, तो बीजेपी के भजन क्यों? तो बीजेपी हमारी सरकार है और हिंदुओं की सरकार है, इसीलिए सुनाई जाता है हमारी। पहले किसने कहा कि बीजेपी हिंदुओं की सरकार है? हम कह रहे हैं हमारे दिल से यही दौड़ रही है। हाँ जी, अच्छा बाकी पार्टियाँ वो किसकी सरकार है? वो तो भाई कुछ भी नहीं कह सकते हैं, पहले हम जब आए थे 2010 में हमारी सुनवाई नहीं होती थी, तो अभी हमारी सुनवाई ज्यादा हो गई है, जैसे मोदी की सरकार आ गई है तो हम उन्हीं से जगी हमारी। अच्छा, हाँ जी, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या अच्छा ये बताइए, आपको 9 साल हुए, आप तो उस टाइम बड़े ही थे और बाकी जिनसे बात करी वो छोटे थे उस टाइम, तो क्या क्यों आए आप हिंदुस्तान? हम तो वहाँ पे बहुत दुखी थे, बिजली था हमारा लेकिन हमारे नाम का नहीं था, मुसलमान नाम का था, पैसे छीन जाते थे या कुछ करते थे, या मंत्री दो या कहीं या करो, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, चाहे 100 रुपये 500 कमा रहे हैं, लेकिन हमारे अपने लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया हमारे लिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा जो वहाँ पे हिंदुस्तानी रहते हैं अभी भी आपके परिवार के कुछ लोग वहाँ पे रह गए हैं? हम दो दो करके तीन तीन करके सारे निकाल दिए, हम जैसे फैमिली में 4 भाई हैं 8 भाई हैं, तो दो दो करके सारे निकाल दिए, अभी दूसरे हैं हमारे कोई बुआ के या चाचे के लड़के हैं, वो भी सारे बोल रहे हैं आने के लिए, लेकिन फोन पर बताते हो यहाँ की बातें? नहीं, फोन पे कभी कभार जो फोन करते हैं, हमारा मन नहीं करता फोन करने के लिए, भाई आओ जब हिंदुस्तान में आ रहे तो आ जाओ, लेकिन हम फोन नहीं करते हैं उनको। अच्छा, फिर भी आपको उनको कुछ बताते होंगे यहाँ के बारे में? वो फोन करते हैं भाई, यही बताते हैं भाई यहाँ का माहौल बढ़िया है, यहाँ का हर चीज बढ़िया है, लेडीज उठे बैठने में सब चीज कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे कोई लेडीज को बाहर निकलने देते हैं, यही दिक्कत है वहाँ पे। जब आप आए पाकिस्तान से हिंदुस्तान की धरती पर जब कदम रखा, क्या चल रहा था मन में? मन में तो बहुत खुश था, हम जाएंगे भाई वहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल होगा ये देख के, सब खुशी है इस बात की, और सारे भाई हमारे यहाँ बहुत पाकिस्तानी पहले बसे हुए हैं, सब मिलके, हमारी शॉप है ये छोटी सी शॉप है, इसका नाम ही पाकिस्तान रख दिया हमने, पाकिस्तानी बोले थे पाकिस्तानी शॉप रख दिया इसका, पाकिस्तान सारे जो भाई आते हैं भाई पाकिस्तान की दुकान पे जाएंगे। 9 साल हो गए आपको यहाँ पर आए हुए, 9 साल पहले थे तो आपको तो उर्दू आती होगी? हाँ, उर्दू अभी भी आ रही है, हमको उर्दू आती है, हिंदी आती नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, ये हमारे जैसे लिखा भी हुआ है इस पे, देखो हमारे उर्दू लिखा हुआ, अशोक नाम लिखा हुआ। अच्छा, नाम अशोक लिखा हुआ ही उर्दू में, छापा दिया मोर लगा दिया, हम हिंदू हैं तो कैसे माना जाए इस बात का? अब तो कल तो अमित शाह ने मोर लगवा दिया, नहीं 2010 में लगवा दिया हमने हिंदू रहने के लिए, तो उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है भाई, हम बोले मुसलमान ही हम तो मतलब हिंदू है, तो लिखा हुआ हमारे पास देखो अशोक नाम लिखा हुआ यहाँ पे भी, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ये हिंदी में कोई उर्दू में मानता नहीं है, इसलिए गलत हो गया ना कि यहाँ पे जहाँ पे दिखता नहीं है इंग्लिश और जहाँ दिखता है ये पहले की हो गई ना, अभी यहाँ थोड़ी पाकिस्तान में लिखवाया था, ये दिक्कत हो गया, हम बोले ये बच्चे आपकी हिंदी पढ़ लेते हैं? बच्चे अभी हमारे छोटे से बच्चे हैं, अभी यहाँ पे शादी की हमने आके, तो 2 साल के बच्चे हमारे छोटे, हम लिखवा के कुछ फौज में या कुछ करेंगे, सदमदान करेंगे, जो हम वापस तो जाने सोच नहीं रहे। शादी यहाँ की है? हाँ, शादी यहाँ की। तो जो आपकी वाइफ है वो कहाँ के है? वो यहाँ की है, यहीं की है, तो वो भी पाकिस्तानी है लेकिन है। ऐसा क्यों, हिंदुस्तानी से क्यों नहीं? हिंदुस्तानी अभी दे नहीं, इसके लिए सोच रहे हैं भाई पाकिस्तानी है तो इसीलिए दिक्कत आ रही थी, अभी दे नहीं रहे, मतलब जो हिंदुस्तान एक और सवाल क्यों नहीं दिए हुए? ये तो सवाल नहीं है क्योंकि 10-12 हज़ार हमें पाकिस्तानी ही है, तो हम आपस में शादी कर लेते हैं, डर था कि वापस पाकिस्तान ये डर था। हाँ, तो हमने तो मन में ये तो डर रखा ही नहीं, हम तो कभी जाएंगे नहीं सोचा ही नहीं है, हमने तो गवर्नमेंट को लिख के दिया एफिडेविट बना के हम नहीं पासपोर्ट बनाएंगे नहीं पाकिस्तान जाएंगे भी, फायदा होगा अब तो वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान। वो तो हम बरसों से बोल के आ रहे हैं, पर कितने साल हो गए भाई हम पाकिस्तान नहीं है, हमको क्यों पाकिस्तान कह रहा जा रहा है, क्या करें, हमारे लिए तो वही दिक्कत है।
अब तो क्यों नहीं कहेगा? तो हम जैसे अमित शाह ने मोहर लगा दिया हमारे ऊपर, हमने अभी तो अगर आप कोई कहे कि आप तो पाकिस्तानी हो फिर तो दिक्कत तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन उस बात को भी ध्यान में रख के सोचेंगे, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को बोलेंगे सर कोई पेपर दिया जाए हम सामने लगा देंगे भाई हम हिंदुस्तानी हो गए, जगह है मतलब मिलेगा। लोगों को बड़ी खुशी हो रही है इनसे बात करके, हमें बड़ी खुशी हुई जिस तरीके से इन्होंने बताया। एक और हमारे साथ भैया है वो पाकिस्तान से आए हैं, क्या नाम है आपका? नाजिम दामिल। ये आप पाकिस्तान से कब आए? 2012 में। जी जी। तो आपको 6 साल हो चुके हैं? 6 साल। तो आपके लिए तो बड़ा फायदा है क्योंकि 6 साल ही उन्होंने दिखाया है कि रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा भारत की नागरिकता लेने के। हाँ, बड़ा फायदा हमारे लिए। नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया खुशी है, बहुत बढ़िया, ये सही हुआ हमारे लिए, अच्छा हुआ। कल जश्न मनाया कि नहीं? बिल्कुल जश्न मनाया, मिठाई खाई, मिठाई बांटी। कितनी अच्छी मैंने आपकी फैमिली की, कितने लोग आपकी फैमिली में होंगे? 30-35 हो गए बताए सुबह। 30-35 लोगों की फैमिली में सारे वहीं से आ गए? हाँ, सारे वहीं से आ गए। बाकी कुछ नहीं? नहीं, हमारे फैमिली में कोई नहीं था। क्या फर्क है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में? बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान फर्क है। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे थे? दो जिंदगी नहीं गुजारी, अभी 12 में आए, 40-45 उम्र है। 40-45 वहाँ पर कोई आपके नाम कोई जमीन कोई प्लॉट ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं है वहाँ पर, हिंदू जो रहते हैं उनके नाम कुछ नहीं है? ना कुछ नहीं, कुछ है किसी के पास है किसी के पास नहीं भी है, कोई गरीब है लोगों के पास है कि नहीं? हाँ नहीं है, वो तो चीनी में आसानी उसको जी। हाँ तो इस बार क्या लगता है यहाँ पर केंद्र सरकार को आप धन्यवाद करना चाहेंगे इसका? दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले भी आपने कोशिश की कभी? आपने जिस तरीके से मैं आप बात करी थी, आपने कहा धरना दिया हमने जंतर मंतर पे, आपने धरना दिया था, तब आपकी मांगी गई? हमने तो धरने में गए नहीं कभी, आप गए थे। ये जो ये मांग है नागरिकता संशोधन बिल की, हर उस पाकिस्तानी बंदे के जहन में होगी जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आया है। कब से मांग थी आपकी? हमारी जब से आए थे हम भाई हिंदुस्तानी, हम तो हिंदुस्तानी मांगे, हमारी हम तो हिंदुस्तानी हैं, कभी जाएंगे नहीं पाकिस्तान, सोचा भी नहीं। अभी मिली है ये, अमित शाह ने बोल दिया भाई मिली गई, हम अपने दुकानी शॉप के ऊपर लगा देंगे, अब हम हिंदुस्तानी है, हमको गर्व है इस बात का। कब बदलेंगे ये टैग पाकिस्तानी से हिंदुस्तानी का? हम तो कब से बदले हुए हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे इस बात को, हम लगा देंगे बोर्ड अभी हम हिंदुस्तानी हो गए हैं, इसके ऊपर छाप देंगे भाई हम हिंदुस्तानी है, अब गर्व हो गया हमको। हम तो ये थे वो पाकिस्तानी, या यूं कहूं ये थे वो हिंदुस्तानी जो पाकिस्तान से पाकिस्तान वालों के दुखी करने के बाद हिंदुस्तान में आके बस गए और वीजा लगा के जब यहाँ पर आए तो इन्होंने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और आज जो इनके मन में खुशी है वो आप भी देख सकते हैं किस तरीके से इनकी खुशी इनकी आंखों से इनकी बातों से बयां कर रही है कि अब हम नहीं जाएंगे और अब हमें गर्व होता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता दिया और कि जो इनकी दुकान है पाकिस्तान जो इन्होंने नाम रखा हुआ है, अभी पाकिस्तानी नहीं अभी हिंदुस्तानी नाम रखेंगे। उनका कहना है कि जो बाकी लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो भी यहाँ आने की उम्मीद जगा रहे हैं, उनका कहना है कि वो भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन अब देखते हैं कि कब तक इन्हें वो नागरिकता, कब तक यहाँ भारतीय होने की वो नागरिकता इनको मिलती है, क्योंकि बिल तो पास हो गया है लेकिन कब तक उस बिल को धरातल पर उतारा जाएगा इस चीज का वक्त रहेगा सभी को। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।